वैसे उसका जनरल लेजर हम बना चुके हैं, अब उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी थी हमने, ठीक है? तो अब आपको बताता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना होता है और क्यों लिखते हैं ना। अच्छा देखिए, ये आपके पास अकाउंट बना हुआ है इस फॉर्म में, कुछ डी अकाउंट बना हुआ है वाला पेज ओपन कर ले जो बनाया था जब पहले। अच्छा देखिए, आप इसमें ये बताएं पहले तो क्या डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत है? बिल्कुल है, क्यों है या नहीं है? और अच्छा देखिए, डिस्क्रिप्शन लिखने की दो रीजन है। देखिए यहाँ टी अकाउंट बना हुआ है, आप ये बता सकते हैं बबलू अंदर जो है? जल्दी आएंगे। अच्छा कि ये बताएं, ये टी अकाउंट बना हुआ है, इस टी अकाउंट को देखकर आप ये बता सकते हैं कि ये 17,500 कहाँ से आए? कहाँ लिखा ओपनिंग बैलेंस? कैसे पता चला? स्टिया अकाउंट को देखकर बता सकते हैं आप ये 17,500 कहाँ से आए? 200 क्या है, कहाँ से आया? 130 कहाँ से आया? क्रेडिट का मतलब पेमेंट है, ये 9,400 पे किए हमने, क्यों पे किए ये भी नहीं पता, ठीक है ना? तो स्टिया अकाउंट को देखकर आप ये नहीं बता सकते ये कैश हमने कहाँ से रिसीव किया और ये कैश हमने कहाँ पे किया, किसे पे किया, क्यों पे किया, रीजन आप नहीं बता सकते। एक चीज और, यहाँ पे हमने कैश को डेबिट किया 17,500 से ना, अच्छा तो इसका क्रेडिट भी कहीं रिकॉर्ड किया होगा, कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा? ये 130 यहाँ डेबिट हो रहा है, इसका क्रेडिट भी कहीं रिकॉर्ड किया होगा हमने, कहाँ रिकॉर्ड किया, कौन से टी अकाउंट में, नहीं बता सकते ना। अच्छा एक चीज और, ये हमने यहाँ 200 डेबिट है, अच्छा अब हमें इसका कहीं क्रेडिट भी रिकॉर्ड हुआ होगा ना किसी अकाउंट में, अब हमें डाउट है कि शायद हम इसका क्रेडिट रिकॉर्ड करना भूल गए, अब हमें कंफर्म करना है, चेक करना है कि हमने इसका क्रेडिट रिकॉर्ड किया या नहीं, रिकॉर्ड हुआ, पोस्ट हुआ या नहीं हुआ ना। अब चेक करने का तरीका क्या होगा कि हर टी अकाउंट में हमें ढूंढना पड़ेगा ना कि 25th को 200 कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, अगर किसी अकाउंट में 25th को 200 क्रेडिट पे लिखा हुआ हुआ तो उसका मतलब रिकॉर्ड हो गया, और अगर नहीं लिखा तो रिकॉर्ड नहीं हो, तो ढूंढना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो अगर हम इसमें डिस्क्रिप्शन लिख लेना तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाए, अगर हम डिस्क्रिप्शन लेंगे तो हमें इसकी रीजन पता चल जाएगी, सोर्स पता चलेगी ये कैश कहाँ से आ रहा है और ये हमने कहाँ पे किया, क्यों पे किया, किसे पे। और सेकेंड हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो 130 यहाँ डेबिट हो रहे हैं उसका क्रेडिट किस अकाउंट में होना चाहिए, तो डायरेक्ट हम उसी अकाउंट में जाकर चेक भी कर लेंगे कि हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया या नहीं। तो दो रीजन है इसको डिस्क्रिप्शन लिखने के, एक तो हमें इसकी पर्पस होते हैं डिस्क्रिप्शन के, रीजन पता चल जाती है ये पेमेंट कहाँ से आ रही है, ये पेमेंट कहाँ की हमने, और ये डेबिट है तो उसका क्रेडिट कहाँ पे। तो इस डिस्क्रिप्शन को आप रीजन भी कह सकते हैं इसकी, और इसे आप पोस्ट रेफरेंस भी कह सकते हैं। अच्छा अब ये लिखना किस तरह होता है, लिखा किस तरह जाता है, अब ये मैं आपको बताता हूँ। तो वन बाय वन लिखेंगे, स्टार्ट से चलते हैं, वन बाय वन डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो ये आपका अकाउंट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखिए हमारी पहली एंट्री हमने क्या पोस्ट की थी यहाँ पर, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो अब ये कैश डेबिट हो रहा है ना 17,500, तो कैश कहाँ से आया, ये कैश कहाँ से आया, स्क्रीन ही नहीं आ रही, बोले ना। ओके
अच्छा, यहाँ पर हमने देखें पहली एंट्री क्या थी हमारी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अच्छा, अब ये कैश कहाँ से आ रहे हैं? कैपिटल से, तो यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल। अच्छा, ये कैपिटल यहाँ क्रेडिट है, तो ये कैपिटल किस फॉर्म में आ रही है? तो यहाँ लिखेंगे कैश। ठीक है, एक तरह से आपका क्या बन गया, क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, कैश के अकाउंट में कैपिटल का रेफरेंस आ गया, कैपिटल के अकाउंट में कैश का रेफरेंस। ये साथ साथ आप लिखते जाएं, हम लोग पहले जो अकाउंट बने हैं उसी में लिख लें इसको साथ साथ। सेकंड, अच्छा सेकंड एंट्री हमने बनाई थी क्या, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 9400 ना। अच्छा, बैंक डेबिट हुआ 9400 से, तो ये बैंक में पैसे कहाँ से आए? हमने कैश कैश डिपॉजिट करवाया था। अच्छा, ये कैश क्रेडिट हो रहे हैं, तो ये पैसे कहाँ गए? बैंक में डिपॉजिट हुए, तो यहाँ लिख लेंगे बैंक। ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, रीजन कह लें, क्रॉस रेफरेंस कह लें इसको। ठीक, अभी साथ साथ लिखते जाएं। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री हमने पोस्ट की, ऑफिस फर्नीचर डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे अकाउंट्स पेबल, शॉर्ट कर देता हूँ, उसका नाम मेंशन लिख दें, शॉर्ट करते हैं ड्रीम लिमिटेड। ठीक है, और यहाँ ये अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे ऑफिस फर्नीचर। ठीक, ये लिख लें ऑफिस फर्नीचर डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। इंश्योरेंस हो गया, एक्सपेंस नॉर्मल एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस, इनको अलग अलग टीमों को लिखेंगे ना अलग अलग साथ अगर लिख नहीं लिखेंगे, अलग अलग अलग। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट है वैन डेबिट बैंक क्रेडिट है ना। अच्छा, वैन डेबिट हो रही है और बैंक क्रेडिट, तो वैन अकाउंट में लिखेंगे बैंक, और बैंक अकाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ लिखेंगे बैंक। अब देखिए, हमें ये पता चल जाएगा कि वैन हमने कैसे बाय की, चेक के थ्रू, और ये बैंक से पेमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वैन बाय की हमने, तो ये इसका क्रॉस रेफरेंस आ। नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री थी इक्विपमेंट्स डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ये इसको शॉर्ट लिख लेते हैं पियर्स एंड सन्स, और यहां लिख लेंगे इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट एंट्री हमारी ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट अकाउंट्स पेबल डेबिट। ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे अकाउंट्स पेबल आ जाएगा, ये अकाउंट्स पेबल डेबिट है, तो यहां लिखेंगे ऑफिस फर्नीचर। ठीक कर लें। लीगल लीगल अच्छा, तो नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री है कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, तो ये कैश कहाँ से आ रहे हैं? बैंक से, बल्कि इक्विपमेंट की थी हमारी, कैश डेबिट
इक्विपमेंट्स क्रेडिट है, तो यहां लिखेंगे इक्विपमेंट्स, और इक्विपमेंट्स क्रेडिट है तो इसमें लिख देंगे कैश। करेंगे कि ये रेफरेंस ही है ना, इसको क्रॉस रेफरेंस वही बनेंगे, इसको क्रॉस रेफरेंस ही कहते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री है अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। अकाउंट्स पेबल डेबिट तो यहाँ लिखेंगे बैंक, और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ लिख लेंगे अकाउंट्स पेबल ड्रीम लिमिटेड। बेसिकली ये होता क्या, क्रॉस रेफरेंस होता है। कहाँ लिखा है ड्रीम वर्ल्ड ये बताएं पहले। तो नाम है ऊपर ड्रीम वर्ल्ड नहीं है, ड्रीम लिमिटेड है नाम है कंपनी नेम। अच्छा नेक्स्ट है कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। कैश डेबिट हो रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में बैंक बैंक क्रेडिट है तो डिस्क्रिप्शन में कैश आ लिखे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गए वैसे। नेक्स्ट बबलू बबलू सीधे 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 होकर सीधे होकर बैठे सीधे। अच्छा लास्ट एंट्री थी हमारी बैंक डेबिट और लोन पेबल क्रेडिट ना, यहाँ लिख लेंगे लोन और लोन पेबल क्रेडिट तो यहाँ लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में बैंक आ जाएगा। नहीं क्यों लिखे कैश का इधर कॉपी कर लिया। आवाज नहीं आया बस कॉपी कर लिया। अच्छा देखिए डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद अब अकाउंट्स को जो आपके इस तरह क्या बन गए होंगे, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपका टी अकाउंट कुछ इस तरह का हो जाएगा, तो बन गया ठीक है। चेक करें पूरा अकाउंट आपका ऐसे ही बना हुआ है। अब इसमें देखें आप इसको देखकर आप इजीली बता सकते हैं कि 13,500 कहाँ से आए, कैपिटल 200 कहाँ से आए, 130 कहाँ से आए, और ये 9,400 कहाँ गया है, बैंक में डिपॉजिट कर ठीक है। एक तो हमें रीजन पता चल गया, एक आसानी हो गया। सेकेंड अभी बताएं कि हमने कैश को यहाँ डेबिट किया 17,500 से, इसका क्रेडिट कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, कैपिटल अकाउंट में क्रॉस रेफरेंस हो गया ना, जहां से आप डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। तो डायरेक्टली आप कैपिटल अकाउंट में जाकर चेक भी कर सकते हैं कि वहां आपने क्रेडिट एंट्री पोस्ट की या नहीं ठीक है। तो उसको डिस्क्रिप्शन लेकिन दो फायदे हो गए, एडवांटेज एक आपको रीजन पता चल गई कि कैश कहाँ से आया कैश कहाँ गया, सेकंड ये क्रॉस रेफरेंस बन गया, तो ये यहाँ पर डेबिट हो रहा है तो उसका क्रेडिट कहाँ होगा, बैंक अकाउंट में। तो अब जाकर उसको चेक भी कर सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं ठीक। तो ये एडवांटेज है डिस्क्रिप्शन लिखने के,
आपको रीजन भी पता चल जाती है और एक क्रॉस रेफरेंस भी आपके पास आ जाता है कि डेबिट यहाँ पर है तो क्रेडिट कहाँ पे किस अकाउंट में होगा इसका, तो चेक करने में भी आसानी रहता है। अच्छा अब इसके बाद क्या होता है, ये मैंने पहले क्यों नहीं लिखवाई थी, रीजन क्या थी, इसमें अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद, अब इसको पता है रीड कैसे करेंगे आप लोग, अब अक्सर स्टूडेंट इसको रीड कैसे करते हैं, कैपिटल डेबिट 17,500, इक्विपमेंट डेबिट 200, बैंक डेबिट 130, बैंक क्रेडिट 9,400, ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। ये अकाउंट जो होता है हमेशा टाइटल से रीड किया जाता है, आप पढ़ेंगे कैश डेबिट, कैश डेबिट, कैश डेबिट और कैश क्रेडिट, मतलब ये जनरल जनरल नहीं है, जनरल जनरल होता है लाइन बाय लाइन, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट लाइन बाय लाइन। ये अकाउंट हमेशा टाइटल से रीड होता है, कैश डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश डेबिट, कैश क्रेडिट, ये उसकी रीजन है, डिस्क्रिप्शन है। कभी भी आपने इसको डिस्क्रिप्शन से रीड नहीं करना, डिस्क्रिप्शन को रीड करेंगे तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अब इसको देखिए क्या टाइटल से रीड करें तो क्या होगा, कैश डेबिट, लेकिन डिस्क्रिप्शन से रीड करें तो क्या होगा, कैपिटल डेबिट, एंट्री आपके रिवर्स होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, ठीक है, अकाउंट को आप हमेशा टाइटल से रीड करेंगे। अच्छा बाकी अकाउंट भी टैली कर रहे हैं आपके डिस्क्रिप्शन, अब ये बैंक अकाउंट है आपका, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ठीक है कुछ इस तरह का बन जाएगा। तब देखिए आप बता सकते हैं कि ये बैंक में कैश कहाँ से, ये पैसे कहाँ से आए, कैश से, ये पैसे कहाँ से आए, लोन दिया आपने, अच्छा ये पेमेंट क्यों की, क्लेम करी थी, ये पेमेंट क्यों की, देने थे सप्लायर को, ये पेमेंट कैश निकलवाया और ये बैलेंस, ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है डिस्क्रिप्शन लिखने, आपको रीजन भी पता चल रही है और आपके पास क्रॉस रेफरेंस भी आ गया कि ये एंट्री यहाँ डेबिट है, इसकी क्रेडिट एंट्री कहाँ होनी चाहिए, तो डायरेक्टली आप जाके उसको चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने डबल एंट्री बनाई है या नहीं बनाई है। ठीक, नेक्स्ट ऑफिस फर्नीचर और अकाउंट्स पेबल टैली भी करते जाए, कहीं कुछ मिसिंग है तो लिख लें। लेकिन पैसा डेबिट पर ऑफिस फर्नीचर है ना, हाँ ऑफिस फर्नीचर डेबिट है, डेबिट का मतलब खरीदा, कैसे खरीदा, क्रेडिट पर, इससे पता चल गया क्रेडिट पर, क्रेडिट पे अभी पेबल क्रेडिट है, क्यों ऑफिस फर्नीचर बाय, साथ साथ रीजन पता चल गया। इसमें नहीं लिखा हुआ ब्रॉड डाउन, दोनों साइड इक्वल हो गई ना, उसका बैलेंस जीरो हो गया, उसमें इसलिए नहीं लिखा, हाँ लिख लें, मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट आपका वैन अकाउंट और इक्विपमेंट अकाउंट, डिस्क्रिप्शन के बाद इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सर ये ग्रुप पे भेज सकते हैं आपका वीडियो आ जाएगी ना, रिकॉर्डिंग है यूट्यूब चैनल है ना, रिकॉर्ड हो रही है ना, फिर आपको नहीं पता रोज की रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही है, तो चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई आपके सेक्शन के नाम से, इस पे प्लेलिस्ट पे जाके अपने सेक्शन के फोल्डर पे क्लिक करें तो पूरी वीडियो आपको शुरू से आप सब है, डेली बेसिस से अपलोड करता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही है, सब अपलोड हो लेकिन ये नहीं आएगी, ठीक है जी, जो गए लेजर्स हमारे डिस्क्रिप्शन बता दिए मैंने आपको,
कंप्लीट।